पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वरिष्ठ घुटना प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कॉस्मोस अस्पताल मुरादाबाद द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आगे कदम बढ़ाते हुए कॉस्मोस अस्पताल मुरादाबाद ने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अत्याधुनिक तकनीक का अनावरण किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहली बार विश्व की अत्याधुनिक तकनीक रोबोटिक के द्वारा पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण एवं आंशिक घुटना प्रत्यारोपण का शुभारंभ किया जा रहा है। वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक्स एवं घुटना प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कॉस्मोस अस्पताल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि घुटने की समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक वरदान है। रोबोटिक सर्जरी एक नई इनोवेशन है जिसने ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव किया है। ये किसी भी मानवीय त्रुटि को दूर करता है। रोबोटिक उपकरण कामकाज में किसी भी नुकसान या गलती के बारे में आशंका को गलत साबित करता है। देखिए, ये मुरादाबाद में नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में नहीं है, अगर हम NCR को छोड़ दें तो। और जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया था कि रोबोट जो है एक ऐसी इक्विपमेंट है कि जो अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें ऑपरेशन डॉक्टर ही करते हैं, रोबोट उनकी मदद करता है, असिस्ट करता है उनको और बेटर एंगल्स और बेटर क्वालिटी देता है सर्जरी की, जिसकी वजह से हमारा रिहेबिलिटेशन यानी जो फिजियोथेरेपी का पीरियड है वो कम हो जाता है, पेशेंट को दर्द कम होता है और जो इसमें इम्प्लांट है उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा समय तक शरीर में अच्छी तरह से काम कर सकता है। क्योंकि इसकी वजह से जो एंगल्स क्रिएट होते हैं या इसकी वजह से जो भी जिन लेवल पे हम काटते हैं बोन को और जिस एंगल्स पे काटते हैं उस पर प्रेशर बिल्कुल उतना ही आता है जितना कि नेचुरल बॉडी में आपके प्रेशर रहता है। ये नहीं कि किसी तरफ आपके एंगल गलत होने से प्रेशर ज़्यादा हो गया, किसी तरफ कम हो गया, तो घुटनों की जितनी भी चारों तरफ की जो भी डायमेंशन हैं वो उसी तरह का प्रेशर लेती हैं जैसे कि आपका कुदरती प्रेशर आता है। और सर, ये रोबोट जो है इसे मतलब मुरादाबाद में हमने लॉन्च कर दिया है, आसपास जिलों में कहीं है या नहीं? ये पूरे उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में नहीं है, अगर हम NCR को छोड़ दें अभी जिलों। कितना समय लगेगा ऑपरेट करने में? कोई 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता है नॉर्मल के मुकाबले। सर, कॉस्टिंग क्या है इसकी, आम आदमी की पकड़ में है? नहीं, आम आदमी की पकड़ में थोड़ी कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाती है क्योंकि इसके डिस्पोजेबल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग गाउन पहनते हैं डॉक्टर्स सर्जन्स तब ऑपरेशन करते हैं, इसी तरह इस तरह के गाउन और कपड़े जो रोबोट को भी पहनाए जाते हैं, एक तरीके से मोटी भाषा में आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वरना वो स्टराइल फील्ड में घुस नहीं सकता, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसी थोड़ी आप किसी चीज़ को लगा देंगे, तो उस डिस्पोजेबल की कॉस्ट ऐड हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा महंगा हो जाता है नॉर्मल उससे सर्जरी से, इसकी कीमत इसी वजह से बढ़ जाती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती कि आम आदमी अफोर्ड ना कर पाए। वैसे भी हमारे मुरादाबाद में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो दिल्ली के मुकाबले आधे पैसों में हो रहे हैं, अगर हम रोबोट भी ऐड कर देते हैं तो दिल्ली में जिस रेट में कन्वेंशनल सर्जरी हो रही है यानी परंपरागत सर्जरी जिस रेट में हो रही है उससे रोबोट की कॉस्ट ऐड करने के बाद भी सस्ती है। और ये तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है जो कि आप दिल्ली जाते हैं और इससे दुगने पैसे खर्च करते हैं, मतलब जो पारंपरिक ढंग से जितना पैसा खर्च होता है कन्वेंशनल में उसकी भी कम में रोबोट के साथ हमारे यहाँ खर्च होगा पैसा, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट का इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, समय की बचत होगी और जो आपके साथ आपके सहयोगी लगते हैं उसमें कहीं ना कहीं बचत होगी? हाँ, मैन पावर भी इसमें कम हो जाती है क्योंकि रोबोटिक आर्म काफ़ी कुछ काम करती है, जैसे कि पहले 5 लोग ऑपरेशन कराते थे अब 3 लोग भी इसमें ऑपरेशन करा सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ काम रोबोट को भी करना होता है। आपने और लोगों से बात की है जहाँ पे ये मशीनें काम कर रही हैं, कितनी सफलता मिली है? नहीं, इसकी सफलता कन्वेंशनल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको इसके लाभ बताए थे फ़ायदे बताए थे वो सब होते हैं और ये बहुत सफल है, अमेरिका में और विदेशों में बहुत हो रहा है और अभी इंडिया में ये मेरा जो है 25th इंस्टॉलेशन है, यानी 24 रोबोट और हैं इंडिया में इस तरह के। इस रोबोट को चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? इस रोबोट को चलाने के लिए 2-3 बार ट्रेनिंग ली गई है और जब ट्रेनिंग का पार्ट ख़त्म होता है तभी ये रोबोट कंपनी जो है आपको देती है, उससे पहले आप रोबोट नहीं चला सकते, आपका सर्टिफिकेशन होता है ट्रेनिंग का, उसके बाद ही आप रोबोट यूज़ कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं इस मशीन से कितना फ़ायदा पहुँचेगा? इस मशीन से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि जो हमारी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है ऑपरेशंस की, वो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी और उससे मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। जो डॉक्टर्स इस समय कोर्स कर रहे हैं या फिर डॉक्टरी लाइन में आना चाहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखने को
देखिए जहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशन में रोबोट होगा वहीं सीख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हर मेडिकल कॉलेज में लग जाए या हर इंस्टीट्यूशन में लग जाए, ये बहुत एडवांस चीज़ है और एक्सपेंसिव टूल है, तो ये हर जगह तो नहीं मिलेगा। इसके लिए डॉक्टर का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग ऐसी जगह पे होनी चाहिए, वही सीख सकता है। आयुष्मान कार्ड क्या अभी, क्योंकि ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है तो हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सरकार इसका संज्ञान लेगी तो ज़रूर आयुष्मान वालों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और मैं तो, मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जैसे आयुष्मान में इतना बेहतरीन काम हो रहा है और हम लोग कन्वेंशनल कर रहे हैं, अगर थोड़े से पैसे वो रोबोट के हिसाब से बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा आयुष्मान को भी होगा। है रोबोट के जो हार्डवेयर, सेम हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर हम स्पाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पाइन की सर्जरी है जिसमें हमें स्क्रू और फिक्स करना पड़ता है, उसको ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा मतलब क्लैरिटी के साथ और कम रिस्क के साथ रोबोट को इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। पर अभी टेक्निक वो अवेलेबल इंडिया में नहीं हुई है, अगले तीन चार महीने में वो अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इस सेम रोबोट के साथ। तब माना जाए कि जैसे आप घुटनों के लिए मशीन लॉन्च की गई है, तो अन्य आदि के किस्म के जो हड्डियाँ हैं उनके लिए, हाँ ये उनके लिए भी लागू हो सकती है। उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, सिर्फ हार्डवेयर यही रहता है। तो ये जो आर्म है इसकी, ये आर्म जो है उन एंगल में काम कर सकती है जो ह्यूमन बींग नहीं कर सकता। आदमी एक अगर आदमी का हाथ 60 डिग्री पे तक घूम सकता है, पर ये रोबोट आम 80 डिग्री पे भी घूम सकती है। ये 3-4 महीने में आ सकती है स्पाइन के लिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।